हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानकारी देने वाले हैं कि आप जब कपड़ा का व्यापार करने आ रहे हैं, कपड़े का बिजनेस करने की इच्छा है आपके अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कपड़ा का व्यापार करना चाह रहे हैं, वो भी काठमांडू में, तो मेरे नज़रिए से आप जो भी रकम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, सबसे पहले आपके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव के बिना आप, मतलब वो बोलते हैं ना, गांव देहात में जो एक कहावत है कि सांप का मंदर जानेंगे तभी सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश कीजिए, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक उसी तरह आप कपड़ा का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हर जगह जाएंगे ठगे जाएंगे, ठगा ठगा सा महसूस होगा आपको कि हाँ नहीं, क्या गलत, मैंने गलत फैसला ले लिया, या मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, कपड़े का व्यापार में ना, मतलब पैसा बेशुमार पैसा है। आप चाहें तो जितना, मतलब जितनी ख्वाहिशें हैं आपकी, मैं बोल रहा हूँ जितनी ख्वाहिशें हैं आपकी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी आपकी। बस मतलब पैसों से भरा मटका है, उस मटके में आपको हाथ डालना है, और हाथ डाल के आप उस मटके से नोटों की गड्डी निकालना चाह रहे हैं या चिल्लर निकालना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप एक्सपीरियंस वाले हैं और आपको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, कपड़े के फील्ड में, तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कपड़ा के व्यापार करने से पहले आप आइए काठमांडू, घूमिए अच्छे तरीके से, 10-15 दिन आप घूमने में ही इन्वेस्ट कीजिए। आप घूमेंगे जगह जगह, आपको मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं अगर आपको 10-15 दिन या 1-2 महीने के लिए अगर जॉब लग जाता है किसी बड़े होलसेलर के पास, किसी बड़े व्यापारी के पास, तो आप सबसे पहले उस जॉब को कीजिए। उस जॉब को करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, मतलब क्या ट्रेंडिंग आइटम है, क्या ट्रेंड में चल रहा है अभी, कौन सा फैशन लोग पहनना चाह रहे हैं, इस सारा जानकारी आपको मिलेगा। आने के बाद सबसे पहले ये कोशिश कीजिएगा आप कि 1 या 2 महीने आप किसी के पास जॉब कर ले। 1-2 महीने में भी बहुत सारा अनुभव आपको हो जाएगा, मतलब मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चल रहा है, कितने की आ रही है और कितना में सेल हो रहा है आगे, ये आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा इस फील्ड के बारे में। बस आपको 1 से 2 महीने, और सीखना चाहें तो आदमी 10 दिन में भी बहुत कुछ सीख सकता है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप 10 दिन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सालों लग जाएंगे सीखने में, इससे कोई फ़ायदा नहीं, समय आपका सिर्फ बर्बाद होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि आप आइए, पहले आने, यदि आपका कोई है यहाँ कॉन्टेक्ट में है काठमांडू में, तो आप उनके पास रहिए और 10-15 दिन नज़र दौड़ाइए कि कौन सा जगह सही है, कौन सा जगह पर दुकान मेरा चल पाएगा, उसके बाद में ही दुकान डालिएगा। दुकान डालने में कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दुकान है, एक जगह ही रहे तो बेटर है, उसको बार बार यहाँ से वहाँ, उधर से उधर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। एक अच्छा सा जगह सिलेक्शन कैसे होता है, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। और लास्टली मैं आपको यही कहूँगा कि आप शुरू में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, शुरू में पैसा लगाएंगे आपका पैसा डूबना 100% तय है, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि आपके पास अनुभव की कमी होगी। जहाँ भी आप जिस भी होलसेलर के पास जाएंगे, आपको मतलब सब होलसेलर ठगना ही चाहेंगे, क्योंकि आप मार्केट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, नया नया चेहरा होगा, आपका कोई पहचान नहीं होगा, कोई जानता नहीं होगा, तो ऐसे में आपको सब लोग ठगना चाहेंगे। सब होलसेलर चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम आया है, सेकेंड टाइम आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये सब आपको ठगेगा ही। ठगों से बचने के लिए कौन सा ट्रिक है, मतलब क्या, कैसे उसे बोलना है, किस चीज़ को कैसे डील करना है, उसके लिए मैं सब अलग अलग सीरीज बाय सीरीज वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। मैंने जितनी भी ठोकरे खा के नॉलेज गेन की है, सब आप तक मैं पहुंचाऊंगा, वो भी मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरा ये नॉलेज। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे जो भी नया वीडियो आपको सबसे पहले देखना हो, जब भी मैं अपलोड करूँ, अगर देखना हो तो सबसे पहले आप नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा होगा उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटा का निशान टाइप का आ रहा होगा, उस घंटा को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।